इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक क्लास 5 पेज नंबर 16 अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन एंड सर्किल द काउंटेबल नाउन। पहले हम आधे सेंटेंस को देखते हैं। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन, वैसे तो ये पूरा मार्क हुआ हुआ है, इवन चेक भी हुआ हुआ है, लेकिन हम अनकाउंटेबल के अंडरलाइन वर्ड्स को देखते हैं। पहले मिल्क अंडरलाइन, ओके। टोमेटो नो, जो नहीं है उसको भी हाथ के हाथिया लगा लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा काउंटेबल। मिल्क हम गिन नहीं सकते हैं, टोमेटो गिन सकते हैं, इसमें सर्किल आ गया। फिश भी गिनी जा सकती है, सर्किल। फ्लावर भी गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है, सर्किल। चॉकलेट भी गिनी जा सकती है, सर्किल। कॉफ़ी, कॉफ़ी गिन सकते हैं, नहीं, अनकाउंटेबल, अंडरलाइन। शीप गिनी जा सकती हैं, भेड़ें गिनी जा सकती हैं ना। कुकीज़ भी गिने जा सकते हैं। पियर्स, नाशपाती भी गिनी जा सकती है, लेमन भी, चेरी और चीज़, ये सब गिने जा सकते हैं, इसलिए ये है काउंटेबल नाउन और इसके ऊपर आएगा सर्किल। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन पे सॉल्ट, सॉल्ट अनकाउंटेबल है। स्नो, क्या आप बर्फ़ को गिन सकते हैं, नो। टी नो, जूस नो, बटर नो, राइस नो, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, अंडरलाइन। इसी तरह बुक है, क्रीम, ये क्या है, बुक को हम, बुक को तो हम गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर्किल। बुक को हम गिन सकते हैं इसलिए हमने इसमें सर्किल बनाया, पता नहीं कैसे चेक किए। क्रीम नहीं गिन सकते इसलिए इसको अंडरलाइन किया है। मनी को गिन सकते हैं इसलिए इसको सर्किल किया है। कप भी गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है, सर्किल। केक को भी गिना जा सकता है, सर्किल। चेयर भी गिनी जा सकती है, सर्किल। शुगर को हम नहीं काउंट कर सकते तो यहाँ क्या आएगा, अंडरलाइन, या सर्किल कोई नहीं आएगा, ये अंडरलाइन है यानी अनकाउंटेबल। चिप्स गिनी जा सकती है, काउंटेबल। ऑयल गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। मीट गिना जा सकता है, काउंटेबल। अनियन गिना जा सकता है, काउंटेबल। प्लम गिना जा सकता है, काउंटेबल। पेज नंबर 16 पे नीचे एक्सरसाइज सी, रीराइट द सेंटेंस इन प्लूरल फॉर्म। सबसे पहले है दिस इज अ बॉय इन आर क्लास, तो क्या हो जाएगा, दीज। दिस किस में चेंज होगा, दीज। इस किस में चेंज हुआ, आर। बॉय हो गया बॉयज, बी स्मॉल होना चाहिए। दीज आर बॉयज इन आर क्लास की जगह क्या हो जाएगा, क्लासेस। जी आप क्या कह रही थी, मीट को नहीं गिन सकते, आप सही कह रही थी, अनकाउंटेबल। गोश्त को गिना नहीं जा सकता, वजन किया जा सकता है, ठीक है जी। ये मैंने करेक्शन कर दी है पेज नंबर 16 में। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। 2 क्या है, देयर इज वन पेंसिल ऑन द डेस्क, तो क्या देयर किस में चेंज हो रहा है, किसी में चेंज नहीं होगा, देयर अपनी जगह रहेगा। देयर इज वन, तो क्या है, देयर आर पेंसिल्स, देयर आर पेंसिल, यहाँ एक थी, यहाँ कई एक होगी। ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क एस लगेगा। इसी तरह है पुट दिस बुक ऑन द टेबल, तो पुट अपनी जगह आएगा, दिस दीज टी स्मॉल होगा। बुक की जगह बुक्स हो गया, ऑन द टेबल है टेबल्स। वेयर इज द मैच बॉक्स, माचिस को कह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वेयर इसकी जगह आर द मैच बॉक्स की जगह, मैच बॉक्स की जगह मैच बॉक्सेस। वेयर इज माई लैपटॉप, वेयर आर माई लैपटॉप्स। That is a was on the corner table. That किस में चेंज हो गया, those is a was, ये क्या हो गया, are the, are a was, those are the was, those are the was on the corner, और table किस में हो गया, tables। इसी तरह अ कस्टम बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ कस्टमर बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, चेंज किस में हो जाएगा, अ कस्टमर की बजाय कस्टमर्स,
कस्टमर्स बाउट ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ईएस लग जाएगा। इसी तरह दिस आंसर इज इनकरेक्ट, तो दिस किस में चेंज हो जाएगा, दीज। इस किस में चेंज हो जाएगा, आर। इनकरेक्ट आंसर्स, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, दीज आंसर्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है द पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, द पेपर्स इस की जगह क्या जाएगा, आर वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं हो सकता। आई लाइक टू सिंग माई फेवरेट सॉन्ग, आई लाइक टू सिंग माई फेवरेट सॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा, सॉन्ग। फेवरेट्स तो नहीं हो सकता ना। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।